करनाल में एक सगाई समारोह के दौरान लोगों की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। समारोह में शिरकत करने आई हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर ने हवा में जमकर गोलियां चलाई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल बंदूक रखने की शौकीन साध्वी अपने 7-8 सुरक्षा कर्मियों के साथ करनाल रेलवे स्टेशन के नजदीक सावित्री लॉन के एक सगाई समारोह में पहुंची थी। दूल्हे को आशीर्वाद देने के बाद डीजे पर डांस करने पहुंची साध्वी ने अपने साथियों के साथ हवा में जमकर हर्ष फायरिंग की। इसमें दूल्हे की मौसी की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच हैरान करने वाली बात ये रही कि महिला को गोली लगने के बाद भी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। हालांकि घटना के बाद साध्वी अपने साथियों समेत मौके से फरार हो गई। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली के खाली खोखे बरामद कर लिए हैं और साध्वी के खिलाफ IPC की धारा 302 आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सगाई समारोह में साध्वी आई तो थी अतिथि देवोभव के तौर पर, लेकिन काम दाना वाले करके फरार हो गई। बहरहाल साध्वी और उसके साथ ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखते रहिए DB Live।